फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पार्ट टू के बारे में। इसके पहले पार्ट वन आ चुका है इसके ऊपर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। इसमें हमने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके इस पेपर में कितने अंक आने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में पहुँचते रहें। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि ऐसे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचते रहें। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर सीरीज डी है। अगर आपकी और कोई सीरीज है तो आप घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन सेम रहते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। पहले पार्ट वन में हमने आपको 100 तक के क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक करते हैं। यहाँ पर है विच आर नॉट स्टेप ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन, यानी सेमिनार प्रस्तुतिकरण का सोपान नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट में यहाँ पर डाउट बना हुआ है कि यहाँ पर किसका सही आंसर। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर सी ऑप्शन लगा के आए हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत है, तो ये इसका सही ऑप्शन है, क्रिएटिव मेथड यानी सी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, तो ये बाई एवेल्युएशन यानी मूल्यांकन के द्वारा ही तय होता है, यानी क्वेश्चन सी तीसरे का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। किसको शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है, हु नीड्स नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड, किसको ज्ञान है, प्रधानाचार्य को, शिक्षार्थियों का, अभिभावकों को या टीचर को, तो टीचर्स को, यानी चौथे क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, जो अध्यापक अपने अध्यापन कार्य को नियोजित तरीके से करते हैं उनका अध्यापन क्या होता है, सिंपल होता है, इफेक्टिव होता है, डिफिकल्ट होता है या इन इफेक्टिव होता है, तो उनका इफेक्टिव होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग, यहाँ पर कुछ कटा हुआ है, औपचारिक परीक्षण का नहीं है, यानी कौन सा उदाहरण शिक्षक निर्मित औपचारिक परीक्षण का नहीं है। शिक्षक निर्मित औपचारिक लिखित होता है, ओरल होता है, प्रैक्टिकल होता है, अप्रूवल टेस्ट का नहीं होता, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सेवन क्वेश्चन की बात करें, तो शैक्षिक उद्देश्यों में वर्गीकरण के प्रणेता कौन है, तो बिल्कुल ब्लूम है, BS ब्लूम, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी सेवन क्वेश्चन का ए ऑप्शन टिक करिएगा। उसके बाद संशोधन ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत प्रस्तावित निर्माण करना स्तर में कौन सी क्रियाएं शामिल हैं, डिजाइन डेवलप प्रिपेयर, यानी सब कुछ आला पावर, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें, तो ब्लूम ने संशोधित वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर स्तर को जटिल बनाना नहीं है, उद्देश्यों को सरल बनाना, विद्यार्थियों को उच्च स्तर के विचारों को बढ़ावा देना, टू प्रमोट हायर लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर उद्देश्य को सरल बनाना, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक वैज्ञानिक विधि क्या होती है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोथ एंड बी एंड नन ऑफ दी, तो एक जो साइंटिफिक मेथड होता है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर सी ऑप्शन लगाकर आए हैं। 11वां क्वेश्चन की बात करें, तो अनुसंधान के महत्वपूर्ण चरण है समस्या के चरण, यानी सिलेक्शन प्रोसेस, परिसीमन, समस्या विश्लेषण और सभी, यानी अनुसंधान के चरण उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव, क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। परिकल्पना है, हाइपोथेसिस क्या है, ए प्रायर इमेजिनेशन, गेस, सम थिंकिंग, यानी ऑल ऑफ अबव, 12वां क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब्दुल कलाम इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, डिफेंस सेक्टर नहीं, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर नहीं, स्पेस सेक्टर, यानी मिसाइल मैन के नाम से इन्हें हम जानते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का। उसके बाद 14 क्वेश्चन की बात करें, कि सूक्ष्म जीव के भोज्य पदार्थ में प्रवेश करने का कारण है, यानी रीजन फॉर एंट्री द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड सब्सटेंस, वायरस नहीं, एल्गी नहीं, बैक्टीरिया नहीं, फंजाई होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 14 क्वेश्चन का। उसके बाद कौन सा बायोफिजिक्स के अंतर्गत आता है, जेनेटिक्स आता है, रेडियो आइसोटोप आता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 15वें क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, तो शिक्षण अधिगम में जैव शिक्षा का क्या महत्व है, यानी द इम्पोर्टेंस ऑफ बायो एजुकेशन इन टीचिंग लर्निंग, शिक्षार्थी का व्यवहार बिल्कुल, विद्यार्थी का व्यवहार बिल्कुल ठीक, विद्यार्थी स्तर
विद्यार्थी का ज्ञान, उपरोक्त सभी। जैव शिक्षा का सब कुछ महत्व है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सत्रहवां क्वेश्चन की बात करो, निम्नलिखित में से फूड टेक्नोलॉजी संबंधित है, भोज्य पदार्थ से, संतुलित आहार से, पोषक तत्वों से, कच्चे माल से, भोज्य पदार्थ से। फूड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू फूड स्टफ यानी भोज्य पदार्थों से, 17 क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? माइक्रोस्कोप डिवाइस बार डिस्कवर्ड बाई, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए डायरेक्ट, यहाँ पर ल्यूबेनॉक बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद 19 क्वेश्चन की बात करें, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था, यानी इन विच यूनिवर्सिटी वाज माइक्रो टीचिंग डेवलप्ड, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें, तो एक नवोन्मेषी उपकरण जो कहीं भी शिक्षक छात्रों को गहन आवासीय यात्रा पर जाकर यात्रा करने में सक्षम बनाता है, तो गूगल क्लासरूम नहीं है, MS कक्षा अभियान नहीं है, गूगल वर्चुअल टूर या फिर गूगल एक्सपीडिशन, इसमें कुछ डाउट लग रहा है, कन्फर्म रहेगा इसका जो सही ऑप्शन हमें लग रहा है वो तो गूगल वर्चुअल टूर होना चाहिए आपके अनुसार, इसका ऑप्शन सी है कि बी है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और कन्फर्म रहेगा इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत जल्द आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, इसमें कुछ डाउट लग रहा है। 21 क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था शिक्षक को दूरस्थ माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी पूरक है? एजुसेट, स्मार्ट क्लास, दूरस्थ माध्यम से, आवासीय विश्वविद्यालय या MOOC। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था शिक्षक को दूरस्थ माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी पूरक है? स्मार्ट क्लास नहीं है, आवासीय विश्वविद्यालय, MOOC या एजुसेट, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी यहाँ पर चुकीगा। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, तो उद्देश्य शर्तों को परिभाषित करते समय निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाना चाहिए? कार्य विवरण का, कार्य विश्लेषण का, क्रियात्मक शब्दों का, बिल्कुल आला पवप का, 22 क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर के जनक, ये तो बिल्कुल साधारण का क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर चार्ल्स बेबेज करिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीमीडिया दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग में किया जाता है मल्टीमीडिया दृष्टिकोण का उपयोग। यहाँ पर 25 क्वेश्चन की बात करें, तो OHP इसका फुल फॉर्म अगर आप जानते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर इज यूज्ड इन चलचित्र में, पारदर्शिता में, चलचित्र में, उपरोक्त सभी, आला पाप, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी 25 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हब क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर उपकरण, नेटवर्किंग उपकरण या गणना उपकरण, तो इसका जो सटीक आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन औषधियों की प्रकृति एवं उसके प्रभाव का अध्ययन करता है? पैथोलॉजिस्ट नहीं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करता है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन से नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसका पेनिसिलिन, ये ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए थे डायरेक्ट, यहाँ पर पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की प्रकृति की विशेषताएं हैं? संगठित है, प्राकृतिक घटना को व्यवस्थित विज्ञान है, यानी ऑल ऑफ अबव, 29 क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो विज्ञान विशेष घटना के कारण प्रयास के बीच, विज्ञान विशेष घटना के कारण प्रयास के बीच संबंध से संबंधित ज्ञान का व्यवस्थित निकाय है, ये शिक्षा आयोग का है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये विज्ञान के जनक है, देखो जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी जनक अरस्तु हैं, और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि किस किस विज्ञान के जनक अरस्तु हैं आपको अगर और पता है, यानी 31 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ब्लूम के ज्ञानात्मक पद संबंधी कार्यपरक क्रियाओं की सूची में अनुवाद किसके अंतर्गत आता है? जो ब्लूम के अंतर्गत ज्ञानात्मक आता है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, वाल्टर जी रोजन है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बायोलॉजी यानी वर्ड बायोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कोस्का ल्यूबेनॉक, ये देखिए रॉबर्ट, सॉरी यहाँ पर कोस्का की यहाँ पर लिखा है, हु डिस्कवर्ड द सेल, कोस्का खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन भी डायरेक्ट भी पूछ के लगभग 7-8 अब तक पूछे जा चुके हैं। जीव विज्ञान के अध्ययन में उपयोग का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर इफेक्टिव होना चाहिए, 36 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान शिक्षण किन व्यवहारों के पक्ष में कार्य करता है? तो ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जीव विज्ञान शिक्षण में कौशल क्या है?
कौशल एक कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेसिस है, सिद्धांत है। अब आंसर ठीक है 38 क्वेश्चन का। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 किस वर्ष में संसद द्वारा पारित की गई, तो 2020 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 39 का काफ़ी स्टूडेंट डी लगा के आए हैं, लेकिन ऑप्शन इसका सी बिल्कुल ठीक है। अधिगम के अनुभव के साधन है ज्ञान बोध प्रयोग, यानी सब कुछ, नॉलेज परसेप्शन एक्सपेरिमेंट आल ऑफ अबव। 40 क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मूल्यांकन उपागम किस टेक्टोनॉमी पर आधारित है, यानी मूल्यांकन उपागम सारे टेक्टोनॉमी आया आल ऑफ अबव, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 41 का। क्रियात्मक पक्ष में अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग है, क्रियात्मक पक्ष में अनुदेशात्मक यानी हाईएस्ट क्लास इन क्लासिफिकेशन टीचिंग ऑब्जेक्टिव, अनुदेशात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, आप कन्फर्म रहिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर आपको दिया जाएगा। शिक्षण उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लेखन के तृतीय सोपान क्या है, शिक्षक उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप से लेखन में तृतीय सोपान क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण, संदर्भ मैट्रिक का निर्माण, त्रिभुजी, शिक्षक उद्देश्यों का निर्धारण, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बालक के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों को विकसित करने का कार्य किसने किया, बालक के क्रियात्मक, तो इसका तो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। शिक्षण परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर प्रतिपादन सबसे पहले लाया कौन, डीवी, लेकिन प्रतिपादन इसने किसने किया, किलपैट्रिक ने। 45 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रदर्शन विधि में छात्र रहते हैं, मूक दर्शक रहते हैं, नहीं, प्रयोग करते रहते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, नहीं, प्रयोग करते रहते हैं कि हेल्प इन एक्सपेरिमेंट, हेल्प इन एक्सपेरिमेंट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति यूरिस्का सबसे हुई है, जिसका अर्थ क्या है, खोज करना है, टू सर्च, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब एक के बाद कई प्रयोग करने होते हैं तो कौन सी विधि, व्याख्यान विधि नहीं, क्यों नहीं होती, क्योंकि व्याख्यान विधि होती है, शिक्षा केंद्रित होती है। उसके बाद समस्या समाधान विधि नहीं, प्रदर्शन विधि नहीं, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मैटर, एक के बाद एक प्रोजेक्ट, यानी 48 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब सत्यात्मक ज्ञान देना होता है या जब तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण होता है तो सर्वाधिक प्रयोग विधि कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी सही लग रहा है, लेकिन रुकिएगा, इसका सही आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट लग रहा है, लेकिन कन्फर्म रहिएगा व्याख्यान विधि नहीं है। उसके बाद ट्यूटोरियल विधि नहीं है, यानी आपका सी और डी ऑप्शन बचता है। अगर आपको पता है तो सी और डी में सही ऑप्शन आप बताइएगा, अदरवाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद 50वां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हाँ 49 हो गया, लास्ट क्वेश्चन 50 देखते हैं। आगमन विधि से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट गलत लगा के आए हैं, क्योंकि आगमन विधि में क्या होता है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल होता है, यहाँ पर स्टूडेंट जनरल टू स्पेसिफिक लगा के आए हैं, गलत ऑप्शन लगा के आए हैं। आगमन विधि अरस्तु से संबंधित है, और आगमन विधि होती क्या है, फ्रॉम स्पेसिफिक यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यहाँ पर उदाहरण के सूत्र नहीं है, सामान्य से विशिष्ट नहीं है, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात नहीं है, पूर्व से अपूर्व, इसका क्या आंसर दिया जाए, इसका जो सही ऑप्शन होना, ये सही आंसर होना चाहिए फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल होना चाहिए। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि 50 क्वेश्चन तक लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कुछ डाउटफुल लगे हुए हैं, हमें कन्फर्म रहिएगा, उसका सही आंसर आपको बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएगा। अदरवाइज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिलाकर लगभग 94 क्वेश्चन, यानी आपको 75 क्वेश्चन केवल करने थे, यहाँ पर लगभग 94 क्वेश्चन के सही आंसर आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। आप मिलान कर लीजिएगा, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके इस पेपर में कितने अंक आने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका पार्ट 1 था वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया, और जहाँ पर आप कमेंट्स करते हैं वहाँ पर आसानी से आपको दिया गया है, जिससे कि आप आसानी से पार्ट 1 भी देख सकें। इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।